Hey everyone, this is your Prem Bhaiya. Welcome back to Educational Hikes. क्या हाल चाल है मेरे दोस्त? Let me know in the comment section. और मुझे पता है यार कि इतने सारे misleading content तुम्हारे exam के लिए लेकर आ रहे हैं ना कि तुम भी बहुत परेशान होगे. CBSE आए दिन circulars निकालती रहती है कि कहीं कोई ये claim कर रहा है कि 10 sample paper CBSE release कर दिए. ऐसा कुछ भी नहीं किया सीबीएसई ने. कहीं कोई ये क्लेम कर रहा है कि भाई सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, कुछ लोग पैसे लेकर ये पेपर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसे ही आज इस वीडियो में तीन ऐसे मेजर अपडेट्स की बात करेंगे जो अगर आप क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हो या 12th का एग्जाम देने जा रहे हो 2025 में, तो इन चीजों को जान लो. अब ये जानना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एग्जाम के लिए सिर्फ आपके पास 3 महीने बचे हैं. एम आई रॉन्ग? नहीं ना. तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेकिन बिफोर दैट एक छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल यार और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे ताकि लगातार हमारी आपकी बातचीत होती रहे. तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं. आज का सबसे पहला और मेजर अपडेट है डेट शीट को लेकर. क्या सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दिया? हाँ, बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म्ड न्यूज है ये. सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो. भाई साहब, सीबीएसई ने कहा है कि जो एडमिट कार्ड है 10th एंड 12th वालों का, वो 7 फरवरी तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा. स्कूल से भी जाकर आप 7 फरवरी के बाद ले सकते हो अपने एडमिट कार्ड को. इज इट क्लियर? 7 फरवरी पहला डेट याद रहना चाहिए. दूसरा, एग्जाम डेट 10th एंड 12th दोनों का 15 फरवरी से स्टार्ट है. हालांकि जो हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं वो ऐसा लैंग्वेज नहीं लेते हैं जो शुरुआत से ही हो. तो 24 से टेंटेटिव डेट शीट हर सब्जेक्ट की आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं. वहां जाकर जागरण जोश की वेबसाइट है, जाकर चेक करिए. उन्होंने हर डेट को कौन सा एग्जाम है एक टेंटेटिव डेट शीट दिया है. सीबीएसई ने अभी कंफर्म सब्जेक्ट वाइज डेट शीट नहीं दिया है, डेट्स कंफर्म है. 15 फरवरी से स्टार्ट है एंड 3rd ऑफ अप्रैल तक हमारा ये एग्जाम 5 अप्रैल के पहले पहले खत्म हो जाएगा. फिर बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम 17 जुलाई को स्टार्ट होंगे, इसके पहले रिजल्ट हमारा मई में रिलीज हो जाएगा. तो डेट शीट को लेकर जो इंपॉर्टेंट डेट थी वो मैंने आपको बता दी. यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. दूसरी, भाई साहब आपको एक चीज और बता दूं कि अटेंडेंस को लेकर 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है. अगर आपने ये गलती करी है ना तो हो सकता है कि आप एग्जाम ना ही दे पाओ. जी हाँ, एकदम साफ साफ सीबीएसई का सर्कुलर है, आप देख सकते हो. इसमें सीबीएसई बोर्ड ने 9/10/2024 को एक 9 अक्टूबर अभी 10-15 दिन पहले एक सर्कुलर निकाला और ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किस चीज को लेकर है ये देखो लिखा है इसने, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद अटेंडेंस. ये देखो अटेंडेंस को लेकर अभी न्यूज क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूं. क्या अटेंडेंस को लेकर आपके लिए जानकारी है? कह रहा है कि भाई साहब मिनिमम कितना परसेंट अटेंडेंस चाहिए, ये सीबीएसई का मैंडेटरी एकदम सर्कुलर निकाला है. लेटेस्ट अक्टूबर की बात बता रहा हूं. कह रहा है कि मिनिमम 75%, कितना? मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है फॉर स्टूडेंट टू एलिजिबल टू अपियर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. अगर यहां पर आपने गलती करी है, पूरे साल आपका जो अटेंडेंस है 75% से कम रहा है, तो भाई चिंता करने की जरूरत है. अपने स्कूल वालों से मिलो, कुछ भी करवाओ, अटेंडेंस 75% से ऊपर करवा लो. ऐसे हालांकि स्कूल वाले कर देते हैं, बट इन द वर्स्ट केस अगर आपकी जो इमेज है स्कूल में उतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है एग्जाम में अपियर ना हो पाओ. कई लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे होंगे कि भैया ये तो हर साल होता है, इसमें क्या नया है. मेरे दोस्त, इस बार मैंडेटरी कर दिया इसने. देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है. लिखा है कि द स्टूडेंट्स मे बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स. सरप्राइज इंस्पेक्शन, देख रहे हो, सरप्राइज इंस्पेक्शन करेगी सीबीएसई एग्जाम सेंटर्स पे. अगर कोई बच्चा अटेंडेंस से उसका जो रियल डॉक्यूमेंट है वो मैच नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से, आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे. तो दिस इज द रियल कंसर्न, दैट्स वाई इस वीडियो में मैंने इनको रखा हुआ है. तो हमने डेट शीट की बात कर ली, हमने इन बच्चों की बात कर ली जो अटेंडेंस 75% से कम है, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, बहुत कम चांसेस है कि दे पाए वो. और तीसरी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है. आई होप कि आप सब वेल अवेयर होंगे कि सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जाम्स उन स्कूलों में स्टार्ट हो जाएंगे जिनमें ठंडियों की छुट्टी होती है. जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मतलब ऑलमोस्ट जो इंडिया के सभी स्कूल्स हैं, विंटर बाउंड स्कूल्स जो हैं, ठीक है, वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा. देखो लिखा है इसने कि विंटर बाउंड स्कूल्स, जहां पर विंटर में प्रैक्टिकल एग्जाम्स
विंटर वेकेशन के पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनका जो शेड्यूल है वो है नवंबर 5 टू दिसंबर 5 2024, यानी अक्टूबर चल रहा है, 15 दिन के बाद आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार, इन सभी के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके 5 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आई होप ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स को भी लेकर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स को भी लेकर सारी चीजें कंफर्म कर दी है मैंने यहां से प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर। अब चलते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता देते हैं भाई साहब, इसके पहले जो कुछ गाइडलाइंस है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके, कि जो स्कूल है उसको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयर करनी है, फिर एग्जामिनर को रीजनल ऑफिस से बुलाना है, फिर फ्री एंड फेयर मैनर में एग्जाम करेक्ट करवाना है, तो ये सारी चीज स्कूल के लिए है, इसको अपन से मतलब नहीं है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज 9th और 11th के बच्चों के लिए, अगर आप 9th में हो 11th में हो, तो भाई ये चीज समझ के चलो, ये क्या है, एजुकेशनल हाइक्स का अलर्ट है। अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू हैव 2 बोर्ड एग्जाम्स इन अ ईयर, एक ही साल में 2 बार। जी हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाती है, उसने सजेस्ट किया है सीबीएसई के प्रिंसिपल्स को कि भाई पूरे साल में 2 बोर्ड एग्जाम हमें कन्वर्ट क्या बोल रहे हैं कि करवाने हैं। और ये कंफर्म न्यूज है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं और से उठा लाया और तुमको दिखा रहा हूं, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने ये कंफर्म कर दिया है कि अब आपको साल भर में 2 बोर्ड एग्जाम देने। और कारण क्या बताया, टू रिड्यूस द लोड एंड प्रेशर ऑफ स्टूडेंट्स। कहते हैं कि भाई एक ही बार साल में एग्जाम अगर होगा तो बच्चों के ऊपर काफी लोड, काफी प्रेशर पड़ेगा, इस प्रेशर को हटाने के लिए इसने 2 बार एग्जाम दिया। क्या ये प्रेशर हटेगा या बढ़ जाएगा, मेरे को बताओ फटाफट। मुझे लगता है कि घटेगा भाई साहब, क्योंकि 2 बार होंगे ना तो वेल अवेयर हो जाओगी। वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, रोज रोज ही तो आ रहा है बोर्ड एग्जाम, कौन सा इतना सीरियसली लेने का है। तो जो न्यू फ्रेमवर्क स्टार्ट ईयर है वो अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप 9th में हो, आप 11th में हो, तो यू नीड टू पैनिक। ठीक है, फिर आता है कि क्लासेस एलिजिबल फॉर 10 बोर्ड्स 2 बोर्ड्स 10th एंड 12th के बच्चों के लिए हमारा जो 2 बोर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपके दिमाग में जो चीजें आ रही होंगी भाई, डेट शीट को लेकर जो समस्या थी आपके दिमाग में, जो अटेंडेंस को लेकर चीजें, ये मेजर अपडेट्स हैं। इनके अलावा अगर कोई भी चीज ऐसी आती है जो कोई क्लेम कर रहा है कि भाई सैंपल पेपर रिलीज कर दिया नया, या कोई नया पेपर लीक कर दिया, कुछ भी और, तो उस पर ध्यान ना दीजिए। कोई भी नई अपडेट आती है तो हम एजुकेशनल हाइक्स के थ्रू आप तक ये खबर, ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, मिलते हैं एक और वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, अपनों का, बाय यार, लव यू ऑल, जय हिंद।